हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन रंग रंग के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि शावी जब ज़ारा के करीब जाके उसके होठों पर अपने होठ रखने वाली थी, तभी ज़ारा ने हाथ रखते हुए कहा कि प्लीज़ अभी नहीं, कॉलेज जाना है आपको भी और हमें भी। ज़ारा ने एक लंबी सांस ली और ख़ुद को काबू करते हुए कहा कि ठीक है चलिए। ज़ारा को शावी की हालत समझ में आ रही थी कि ये सब बहुत मुश्किल था, क्योंकि ज़ारा खुद भी बहुत मुश्किल में थी। खैर, ज़ारा ने भी खुद को कंट्रोल करते हुए कहा कि आप पाल सही कर लो फिर चलते हैं। शावी ने खुद को सही किया और दोनों रूम से निकलने लगे तो ज़ारा ने कहा रुको एक सेकंड। उसने डोर खोला और पहले पूरी गैलरी को चेक किया और थोड़ा सा वेट किया। उसके बाद शावी और ज़ारा दोनों एक साथ मेस के लिए निकल गए थे। शावी और ज़ारा खुद को काबू करने में इतने गुम थे, इतने खोए हुए थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो मेस में एक साथ ही आ गए हैं। वो दोनों साथ चलते हुए भी थोड़ी दूर थे। जैसे ही वो मेस में आए, सामने आकृति और रोशनी बैठे थे। उनके मेस में आते ही रोशनी उन्हें बहुत ध्यान से देख रही थी। शावी रोशनी और आकृति को विश करते हुए आगे बढ़ गई और अपना लंच लेने लगी। इधर रोशनी ज़ारा का वेट करने लगी। शावी और ज़ारा भी लंच लेके आकृति और रोशनी के पास ही आके बैठ गए। रोशनी ने ज़ारा को देखा और कहा कि ज़ारा, तुमने तो कहा था कि शावी कहाँ है तुम्हें पता नहीं है, तो फिर साथ में कैसे आई। शावी ने इधर अभी निवाला मुंह में डाला ही नहीं था, पर ज़ारा ने जो निवाला मुंह में लिया था, कुछ वक्त तक वो सिर्फ अंदर पड़ा रहा और ज़ारा उसे खाना भूल गई। भाई, जब ऐसी हरकतें करोगे तो यही होगा ना। और इधर उठाया हुआ निवाला शावी के हाथ में ही रह गया था, वो होठों तक आया ही नहीं था। और ज़ारा तो अपना मुंह में लिया हुआ निवाला खाना तक भूल गई थी। इधर नेहा भी तभी आ गई थी। शावी ने नेहा को देखा और देखा कि ज़ारा भी कुछ नहीं बोल रही है, तो उसने अनजान बनते हुए कहा कि कब की बात कर रही हैं दी, हमें तो ध्यान ही नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, हम समझे नहीं। नेहा ने कहा, क्या हुआ भाई, क्या बातें चल रही हैं। रोशनी ने कहा, कुछ नहीं दी, अभी ज़ारा के रूम में गए और पूछा था कि शावी है क्या, पर उसने बोला कि हमें पता ही नहीं है और अभी दोनों साथ में आ रहे हैं। रोशनी तो बेचारी ज़ारा की ज़्यादा खिंचाई तो कर नहीं सकती थी, तो अब नेहा ने मोर्चा संभाल लिया था। उसने कहा, सो ज़ारा मैडम। ज़ारा ने कहा, हाँ दी, क्या है ये सब, बता दो, शावी रूम में ही थी। नेहा का इतना बोलना ही था कि ज़ारा फ्लो में बोल गई कि हाँ। शावी ने कहा, क्या। ज़ारा ने अपनी बात पे ध्यान देते हुए कहा कि मतलब वो एक्चुअली नेहा ने कहा, रहने दो, सच बाहर आ गया है, समझी। अब छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, सच सच बताओ। इधर शावी ज़ारा के हाँ कहने के बाद ज़ारा के मुंह से अचानक हाँ निकलने से शावी अब घबरा गई थी। उसने धीरे धीरे वहाँ से निकलने की कोशिश की, चुपचाप सबकी नज़रों से बचते हुए अपना खाने की प्लेट उठा के वहाँ से जैसे ही जाने लगी, तभी नेहा ने शावी को पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रही हो मैडम,
वो कॉलेज जाना है, चली जाना, पर पहले ज़रा बता तो दे कि ऐसा क्यों कहा कि तुम रूम में नहीं हो। अरे तो आपको उनसे पूछना है ना, उनसे पूछिए, हमें जाने दो ना। ज़रा ने शावी को घूर के देखा और मनी मन कहा, अच्छा हमें इन लोगों के बीच में छोड़ के भाग रही हो, बताते हैं तुम्हें। रोशनी ने कहा, उससे तो पूछ लेंगे, पर तुम ये बताओ शावी, तुम छुपी क्यों थी? क्योंकि हमें तो दिखी नहीं तुम, मतलब पक्का कहीं छुपी थी। बताओ 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 बताओ, क्यों क्यों छुपी थी? जारा ने कहा, तुम सही कह रही हो रोशनी, हमने तो बोला था। क्या हो गया? रोशनी तो है, पर इन्होंने ही कहा कि मत बताओ। अब इनसे ही पूछो क्यों बोला ऐसा। तो शावी जारा की तरफ देखते हुए इशारों में बोलती है कि ये क्या कर दिया यार। और जारा इशारों इशारों में कहती है कि मुझे फंसाया था ना, अब भुक तो मुझसे पंगा। अब सबकी नजरें शावी पर थी। एक तरफ नेहा जो अपनी खचाई का पूरा बदला लेना चाहती थी, और दूसरी तरफ रोशनी जिसे शावी को छेड़ने का मौका छोड़ना ही नहीं था। बेचारी शावी जाए तो आखिर किधर जाए? पर आज शावी की शामत थी, या यूं कहें कि उसका दिन अच्छा था, क्योंकि शावी फंसी थी। सब उससे पूछ ही रहे थे कि बताओ भाई, ऐसा क्यों किया तुमने? रूम में होते हुए छुपने का नाटक किस लिए और किसकी वजह से? आज तो हमें जानना है और हम जान के रहेंगे, जल्दी बताओ जल्दी। तभी शावी का फोन बजा। उसने अपना फोन निकाला, देखा तो मैम की कॉल थी। शावी को तो अच्छा खासा बहाना मिल गया है। शावी ने कहा, मैम की कॉल आ रही है, कुछ काम होगा, हम जाते हैं। नेहा ने कहा, बता कर जा, ऐसे तो नहीं जाने दूंगी, चाहे जो हो जाए। शावी अब पूरी तरह फंस चुकी थी, तो उसने अपना दिमाग चलाया और कॉल को वहीं रिसीव कर लिया, और बात करते हुए वहाँ से निकल गई। उसने कहा, हेलो। शावी ने कहा कि मतलब मैम ने कहा हेलो। शावी ने कहा, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून, आप कॉलेज कब आ रही हैं? मैम बस निकल रहे हैं, लंच कर लिया है, बस बस अभी अभी पहुंच ही रहे। और ये कहते हुए उसने वहाँ सबको बाय किया और वहाँ से निकल गई। मैम ने कहा, ठीक है जल्दी आइए। शावी ने कहा, ओके मैम। ये भूल के शावी ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और अपने रूम की तरफ आई, और रास्ते में एक चैन की सांस ली। थैंक गॉड बच गए। ये भूल के शावी ने कॉल डिस्कनेक्ट की, मतलब ये भूल के वो अपने रूम में आई। इधर जारा, नेहा, रोशनी और आकृति के बीच में फंसी हुई थी। शावी तो निकल गई, लेकिन नेहा ने अब जारा को पकड़ लिया था और जारा से कहा, अब तुम बताओ। वो तो गई, तुम बताओ कि क्यों छुपा रखा था उसे, क्यों नहीं बताया, और उस दिन कमरे में क्या चल रहा था? हाँ जारा अब बेचारी परेशान थी। रोशनी की तो खैर हिम्मत नहीं थी, आकृति की हिम्मत नहीं थी उससे कोई सवाल ज़्यादा करने की, लेकिन नेहा उसे छोड़ने वाली नहीं थी। नेहा ने कहा, जल्दी बताओ, क्या क्या चल क्या रहा है भाई? ये हमें भी तो पता रहे कि आखिर हमारे हॉस्टल में क्या चल रहा है। हमें ही कुछ नहीं पता रहता इस हॉस्टल में होता क्या रहता है, तो अब तो बिना जाने हम तुम्हें छोड़ने वाले हैं नहीं। जारा ने कहा, देखिए मुझे नहीं पता है शावी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। शावी ने रोशनी की आवाज़ सुनी और वो एकदम से घबराई। उसने कहा, बताना मत कि मैं हूँ। मैंने उससे पूछा भी, रोशनी तो है, अब बताइए मैं क्या करती। अब उसने उन्होंने कुछ कहा तो मैंने नहीं बताया रोशनी को। तो नेहा ने कहा, अच्छा उनको, भाई साहब क्या चल रहा है ये? जरा ने कहा, आप ना ज़्यादा दिमाग ना चलाओ, ठीक है, मुझे भी कॉलेज जाना है, बाय।
और ये कह के वो फटाक से वहां से निकली सबसे बचते हुए। इससे पहले नेहा उसका हाथ पकड़ती, वो अपना हाथ दूर झटकते हुए पीछे खिसकते हुए नेहा के हाथ से छूट गई और निकल गई। तभी आकृति ने जारा को आवाज़ दी कि अरे रुको तो सही, हम आ रहे हैं। जारा ने कहा, अगर आकृति ने कहा अरे नहीं यार हम कुछ नहीं कह रहे, रुको रुको आ रहे हैं। कहती आ जाओ बाहर ही मिलेंगे। आकृति वहाँ से दौड़ती हुई जारा के पास आई। इधर अंशु मतलब शावी रूम में पहुँची तो अंशु ने कहा कहाँ थी? शावी ने कहा लंच कर रहे थे। क्यों? अंशु ने कहा वाह बेटे बहुत सही, अकेले ही खा लिया, एक बार पूछना तो था। शावी ने कहा अरे मैम की कॉल आ गई थी इसलिए जल्दी कर दिया, अब कॉलेज जा रहे हैं। इधर आकृति जारा के पास पहुंची तो कहने लगी कि एक बार ज़रा शावी के रूम में चलें, वो अंशु को बताना है कि जल्द 7 बजे से पहले हॉस्टल से निकलना है। तो जारा ने कहा ठीक है चलो। इधर अंशु ने जब शावी की बात सुनी कि मैम की कॉल आ गई थी तो उसने कहा कौन सी मैम? शावी ने कहा कल्पना मैम, और कौन सी मैम? अंशु ये नाम सुनते ही शॉक्ड हो गए, उसने कहा क्या कौन सी मैम? शावी ने कहा क्या क्या? अरे तुमने क्या बोला अभी, किसकी कॉल? अरे कल्पना मैम की। अंशु अभी भी सदमे में ही थी, उसने कहा नहीं नहीं मतलब कौन सी कल्पना मैम? शावी ने कहा तुम पागल हो गई हो क्या? अंशु ने कहा हमें यकीन नहीं हो रहा है, सच बोल। शावी ने कहा अरे यार कल्पना मैम की कॉल थी, वही कल्पना मैम जिन्हें देखकर हम आंखें सेका करते थे, वही कल्पना मैम जिनकी क्लास में सब्जेक्ट से ज़्यादा उनकी पढ़ाई करते थे, वही कल्पना मैम जो हमें केमिस्ट्री का फिगर समझाने की जगह हम उनका फिगर समझते थे। समझ आ गया या और समझाएं? अंशु अब बिल्कुल शांत खड़े थे और शावी के पीछे देख रही थी। शावी उससे कह रही थी कि आया समझ या कुछ और बोलने, आप पीछे क्या देख रही हो? शावी को कुछ समझ नहीं आया कि इसे हुआ क्या। वो कहती है कि क्या हो गया है, कहाँ देख रही हो तुम? हाँ, और ये कहते हुए वो पीछे मुड़ी और बस इतना बोला कि क्या है पी करके उसका मुंह खुला का खुला रह गया है, पूरा मुंह खुला ही था। वहाँ आकृति और जारा खड़े थे, शावी की तो सांस ही रुक गई थी। जारा शावी को देख रही थी और शावी जारा को। शावी का हाल ऐसा था कि डर की वजह से वो पलक झपकाना ही भूल गई थी, सांस लेना तो वो पहले ही भूल गई थी, और मुंह खुला का खुला रह गया था। वो चाहके भी अब ना कुछ बोल पा रही थी ना कुछ समझ पा रही थी, डर के मारे उसकी हालत खराब थी। आकृति ने जब शावी को ऐसे देखा तो उसे हंसी आने लगी, वो मुस्कुराने लगी, लेकिन खुद को बहुत कंट्रोल किया और कहा कि अंशु। अंशु ने कहा हाँ। अंशु के तो आंखों में दिल बनाए थे, जैसे ही आकृति ने अंशु का नाम लिया वो बड़े प्यार से आकृति के पास गई और बोली जी कहिए, हमें 7 बजे तक हॉस्टल से निकलना है, इससे ज़्यादा लेट में निकलने की परमिशन नहीं है, ठीक है? अंशु ने कहा ठीक है। आकृति ने कहा जारा से कि चलो चलते हैं। जारा ने कहा 1 मिनट, और ये बोल के वो शावी की तरफ पड़ी। भाई साहब शावी की ना किस्मत बड़ी ख़राब है,
मतलब ये कह ले कि शावी की टाइमिंग गलत है बात बताने की, या ये कह ले कि सारा की टाइमिंग बड़ी अच्छी है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तभी वो वहाँ पहुँच जाती है। वो चलता फिरता कैमरा, ज़ारा सब देख रही है, सावधान सतर्क रही है, लेकिन हमारी शावी कहाँ सतर्क रहने वाली है। ज़ारा शावी की तरफ बढ़ी और उसके चिन को टच करते हुए उसका मुंह बंद किया, जो कि खुला का खुला ही रह गया था। उसका मुंह बंद किया और अपने तीखे एटीट्यूड में वहाँ से निकल गई, बाल लहराते हुए, दुपट्टा लहराता हुआ, बड़े ही कातिलाना अंदाज में वो वहाँ से निकल गई थी। शावी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई थी। अब अंशु भला शावी के मज़े लेने का मौका कैसे छोड़ती। वो बहुत धीरे से शावी के पास आई और कहा, अब मुंह बंद हो गया? हाँ, नहीं नहीं बंद कहाँ हुआ, बंद करके गई हैं। शावी ने कहा, काश सही टाइम पे बंद हो जाता। अंशु बहुत ज़ोर से हंसी और उसने कहा, मज़ा आ गया। शावी ने कहा, तेरी तो सही टाइम पर बताया क्यों नहीं कि वो पीछे खड़ी है। अंशु ने कहा, अरे बता देते तो ऐसा सीन कैसे देखते। हाँ, शावी ने कहा, एक तो हमारी किस्मत वैसे ही ख़राब है, पता नहीं क्या टाइमिंग है, हर बार गलत टाइमिंग पे एंट्री होती है। ठीक है, ऊपर से तुम बता नहीं सकती थी। शावी अंशु जोर से हंसी और कहने लगी, क्यों बताते भाई क्यों? तुम्हारा वो खुला हुआ मुंह, उनके वो तीखे अंदाज देखने को कहाँ से मिलते। हाँ, अब तो तुम्हारी शामत है शामत, बड़े गुस्से में तुम्हारा मुंह बंद करके गई है, अब क्या होने वाला है ये सोचो। ये कहते हुए वो हंस रही थी। शावी ने कहा, तुम रुको बताते हैं हम तुम्हें। ये बोल के शावी को ढूंढने लगी उसे मारने के लिए, लेकिन अंशु ने कहा, सुनो सुनो, तुम्हें कॉलेज जाना है, मैम का कॉल आया था और उन्हीं की बात बताते हुए तुमने किसी से पंगा भी ले लिया, किसी को बहुत ज़्यादा नाराज़ भी कर दिया है। अब उनकी वजह से कोई नाराज़ हुआ है तो तुम हमें कहाँ मारने में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, सामान ढूंढ रही हो मैं मारने के लिए, जिस वजह से पंगा क्रिएट हुआ है जाके कम से कम वो तो पूरा करो। अब एक तो नाराज़ होके गई है, दूसरी को भी नाराज़ करना है क्या? कम से कम उसे तो ना नाराज़ होने दो, कल्पना मैम को। हाँ, शावी ने कहा, तुम्हें तो हम ना आके बताते हैं तुम्हें। शावी टाइम देखते हुए ये बोलते हुए कॉलेज की तरफ निकल गई थी। उसने रास्ते से ही ज़ारा को मैसेज किया कि सुनिए ना, आपने जो सुना है ना वो वैसा नहीं था जैसा आप सोच रहे हो, वो बात कुछ और थी और आपके कानों में कुछ और तरीके से पड़ी है, प्लीज़ एक बार हमारी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद हमसे नाराज़ होइएगा। ज़ारा ने कोई रिप्लाई नहीं किया था। शावी वो मैसेज बस देख रही थी कि कब मैसेज आएगा, कब बात होगी, कब सब कुछ ठीक होगा। यार इस बार तो गलती सच में हमारी है और हमने अपने मुंह से सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, वो भी उन्होंने सुन लिया। यार क्या 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 कुत्ती किस्मत पाई है हमने यार, उन्हीं के सामने क्यों मेरे भांडे फूटने होते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता। ज़ारा ने जब बहुत देर तक कोई रिप्लाई नहीं किया तो शावी ने फिर से मैसेज किया कि सुनिए ना, वो सब हमने यूं ही कहा था, मजाक कर रहे थे बस, और कोई बात नहीं थी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा किया है। ज़ारा ने जब ये मैसेज देखा तो उसने बस गुस्से में बस यही रिप्लाई किया कि कॉलेज गई हो ना काम से, कॉल आया था ना, स्पेशली बुलाया गया ना तुमको, हॉस्टल आओ तब बात करते हैं। शावी ने कहा, ठीक है पर आप नाराज़ नहीं होना प्लीज़। ज़ारा ने कहा ना, आओ तब बात करते हैं।
स्पेशली किसी काम के लिए तुम्हें इनवाइट किया गया है, अपने काम पर ध्यान दो। और ये मैसेज करके ज़ारा ने अपना फ़ोन साइड फेंक दिया। शावी ने बस ओके का मैसेज किया, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि आगे वो ज़ारा से कुछ कहे। अब ये सोच सोच के वो परेशान हो रही थी कि आज तो लग रहा है बहुत बड़ा पंगा होने वाला है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।